अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ड्राइव करेंगे पावर ट्रांसमिशन के लिए इक्वेशन जो कि वेव्स के जरिए ट्रांसफर होती है, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम या पोटेंशियल पर यूनिट टाइम को ड्राइव करेंगे और फिर उसको हम फाइंड करेंगे कि एवरेज पावर कितनी ट्रांसफर होगी इसमें। और इसके एंड में हमने इंटेंसिटी के लिए भी इंटेंसिटी को भी डिफाइन करेंगे कि वेव्स के जरिए जो इंटेंसिटी ट्रांसफर होती है वो कितनी होगी, वेव्स की इंटेंसिटी। जी, इसमें हम पढ़ेंगे पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशन, यानी जब वेव ट्रैवल करती है। हमने पढ़ा है कि ये इनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो पावर कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हम इनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है वो फाइंड करेंगे, फिर उसको टाइम पे डिवाइड करेंगे या उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास पावर आ जाएगी। तो इनर्जी कौन सी ट्रांसफ़र होगी? इनर्जी वेव के अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर रुक जाते हैं और वापस आते हैं तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरीके से ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कब जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो देखें, हमने कैलकुलेशंस हम बाद में कर लेते हैं, हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो ये लिखा है हमने कि एन एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ मास डी एम ऑसिलेट्स ट्रांसवर्सली इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एज द वेव पासिस थ्रू इट। इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी एसोशिएटेड विद द ट्रांसफर वे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इस फिगर में देखें, इसने हमने लिखा है कि जब यहाँ से वेव गुजरती है तो ये पार्टिकल्स वर्टिकल डायरेक्शन में ओसीलेट करते हैं, तो इसलिए इनकी ओसीलेशन की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटी होगी ओसीलेशन की वो u के बराबर होगी। यानी जो हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y की इक्वेशन ली थी उसका हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, जो क्या थी y इज इक्वल टू वाई एम साइन ओमेगा t, ठीक है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा t। तो कैलकुलेशन बाद में अब देख लेते हैं। व्हेन द स्ट्रिंग एलिमेंट इज़ मूविंग थ्रू इट्स मीन पोजिशन, यानी जब वो सेंटर से गुजरेगी रस्सी, ये फिगर है, ये मेन पोजीशन है, तो इस जगह पर गुजरते हुए पार्टिकल की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। आप पार्टिकल्स को देखते जाएं, ठीक है, आप वेव को इग्नोर कर दें, पूरी वेव को, और आप इस लाइन के ऊपर जो पार्टिकल्स गुजरते हैं उनको देखते जाएं, सिर्फ इन पार्टिकल्स को देखना है, और फिर इस जगह से जब गुजरते हैं तो भी आपने उसको देखना है। तो यहाँ पर इनकी वेलोसिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर इनकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यही लिखा है कि व्हेन स्ट्रिंग एलिमेंट इज मूविंग थ्रू मीन पोजीशन इट्स वेलोसिटी एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन वाई इज इक्वल टू द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक होता है चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, के रस्सी कितना ऊपर गई है मीन पोजीशन से, जितना दूर जाएगी उतना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी स्प्रिंग की तरह, जैसे आपने मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था। व्हेन द स्ट्रिंग एलिमेंट इज रशिंग थ्रू वाई इक्वल्स टू जीरो पोजिशन इट्स लेंथ हैज़ इट्स नॉर्मल अनडिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू डी एक्स एंड स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। यानी जब ये मीन पोजिशन पर होगी तो उसमें ज़ीरो एनर्जी होगी, और जब ये लेंथ एलिमेंट वाई इक्वल टू वाई एम पर पहुँचेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगी एट द पोजीशन। दस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग स्ट्रिंग एलिमेंट इज मैक्सिमम एट, अच्छा यहाँ काइनेटिक लिख दिया, यहाँ आएगा इलास्टिक, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ही मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर। तो यही हमने लिखा है इन दोनों पैराग्राफ्स में, हमने क्या रिजल्ट निकाला कि काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम होगी सेंटर वाले पॉइंट पर, और
का पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। पावर कैसे निकालेंगे? तो पावर निकालने के लिए हमें पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्केयर। हमने डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिख दिया है क्योंकि हमने स्मॉल मास एलिमेंट लिया है। इसमें जो वेलोसिटी है यू लिखी थी, तो यू जो है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, यानी वर्टिकल ऊपर की तरफ जो ऑसिलेशन हो रही है इसे। तो ये हमने ली है जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था वाई इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये उसका डेरिवेटिव है। तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 एम, मास की जगह लिखेंगे डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और यू की जगह लिखेंगे वेलोसिटी का स्केयर। तो इसका स्केयर हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, और ये वो रेट है जिससे एनर्जी, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर आपने इसका रेट निकालना है, क्योंकि हमने पावर निकालनी है, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो हम इसका लेंगे डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से। तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 u dx/dt, और बाकी इसमें सारा dt जो है, यानी दोनों साइड्स को हमने dt से डिवाइड कर दिया, इधर भी और उधर भी। तो यहाँ dt डिवाइड करेंगे तो ये v के बराबर हो जाएगा, ये फंक्शन यहाँ v आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लगातार तो नहीं पास हो रही होती, कभी इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, कभी मिनिमम हो जाती है, तो हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हम एवरेज वैल्यू कैसे लेंगे? कॉस की एवरेज वैल्यू लेकर। कॉस की कम से कम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कॉस स्क्वायर की। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि द एवरेज रेट एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड या ट्रांसपोर्टेड इज कॉस स्क्वायर को हम 1/2 लिख देंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1/4, ठीक है, 1/4 यू वी ओमेगा स्केयर वाई एम। कॉस कहाँ चला गया? उसकी जगह हमने लिख दिया 1/2, जो इससे मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो गया। ये तो थी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी लगातार फ्लो नहीं करती, वो भी इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की तरह 0 और मैक्सिमम। तो जो रेट या जो आंसर इसका आया है वही पोटेंशियल एनर्जी का भी आएगा, क्योंकि यही एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, आपस में इंटरचेंज होती रहती है। तो एवरेज रेट एट विच काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय द वेव, तो दोनों का एवरेज टोटल कितना हो जाएगा? हम दोनों के वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, जितनी काइनेटिक का रेट है जितना पोटेंशियल का है। अब क्योंकि दोनों का बराबर है तो हम उसको डबल कर देंगे। तो डबल करेंगे तो 1/4 था यहाँ पे, वो 1/2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो इसमें ये है कि शोइंग दैट, इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जो एवरेज पावर है, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय वेव डिपेंड्स ऑन द स्क्वेयर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड स्क्वेयर ऑफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एवरेज पावर दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड के स्क्वेयर पे और इंटेंस और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्केयर के। और अब इसके एंड में एक डेफिनेशन है इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी कहते हैं कि एवरेज पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वेव की वजह से, उसको जितने एरिया में से पास हो रही है उस पर डिवाइड कर दें, नॉर्मल एरिया, यानी उसके एरिया पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसको हम कहेंगे इंटेंसिटी। तो यहाँ तक ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे एग्जांपल्स हैं, वो आपने खुद ट्राई करनी है, इसकी वीडियो अलग से बनेगी।